हेलो जी, मैं चिंटू कपूर, SPTV साइम प्रोडक्शन टीवी सोच से आगे आज फिर आया हूँ लाइव आप सबके साथ, स्पेशली एक चीज़ बताने के लिए। मेरे साथ इस समय बैठे हैं राकेश भैया जी। राकेश भैया जी जो दिल्ली से शिरडी बाइक पर आए हैं और मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा भैया आइए हम बैठते हैं रूम में और लाइव चलते हैं और मैं इनसे व्यू पूछूंगा कि इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आइए मिलाते हैं आपको राकेश भैया से। साईराम भैया जी, साईराम भैया जी, साईराम। देखो जैसा कि आपने कहा, दिक्कत दिक्कत तो कुछ हुई नहीं हमें, ये तो हमें बस बाबा का बुलावा था। बाबा ने चाहा कि हमने बाइक पे आना है तो बस हम आ गए, क्योंकि बाबा का आगे तो किसी का हुक्म नहीं चलता। मगर ट्रिप हमारा बड़ा अच्छा रहा। हम दिल्ली से परसों चले थे, यही कोई सुबह 4 बजे के आसपास, और शाम को हम वहाँ गए, उज्जैन गए। वहाँ हमने पहले महाकाल के दर्शन किए, बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद भैरव मंदिर गए, वहाँ से बहुत आनंद आया। फिर आते वक्त वहाँ से हम कल चले, वहाँ हमने रेस्ट किया। फिर हम चले ओमकेश्वर, ओमकेश्वर के बाद शिरडी, बाबा की नगरी। और आगे भी अब प्लान है हमारा बहुत आगे जाने का। अब यहाँ से हम बॉम्बे जाएंगे, सिद्धि विनायक मंदिर। ये बेसिकली हमने एक रिलीजियस राइड बनाई थी कि हम मतलब हर जगह आशीर्वाद लेते हुए जाएं। बेसिकली हमारा एक थॉर ग्रुप है, उसको बोलते हैं थॉर द हार्मनी ऑफ राइडर्स। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कॉज राइड्स करता है। कॉज राइड्स यानी कि लोगों की मदद, क्योंकि बाइकर कम्युनिटी में ये एक ऐसा शब्द है कि लोगों बोलते हैं कि बाइकर, इससे देखने वाले की पहचान में फर्क आ जाता है कि ये क्या होगा, कि ये गलत बंदा ही होगा, कैसा हाँ, होगा। बाइक बाइक का मतलब गलत, मतलब बुलेट, हाँ बुलेट में स्टंटबाजी माननी है इस लाइक है। तो हमने एक ग्रुप बनाया अपना थॉर द हार्मनी ऑफ राइडर्स। हमने उस कम्युनिटी के बाइकर नाम को हमने चेंज करना चाहा कि हम उसको चेंज करेंगे और हम बताएंगे लोगों को, एक मैसेज देंगे कि बाइकर्स लोग ऐसे नहीं होते। फिर हमने कॉज राइड स्टार्ट करी, सब कुछ करा, और हम बहुत जगह गए हुए हैं। ये हमारी पहली राइड है रिलीजियस, कि हम मतलब रिलीजियस मतलब सारे बाबा की नगरी जाएं। महाकाल भी गए, ओमकेश्वर भी गए, अब सिद्धि विनायक जा रहे हैं। फिर आते वक्त एकलिंग जाएंगे गुजरात होते हुए, फिर हम अजमेर शरीफ जाएंगे, जयपुर जाएंगे। ऐसे ही बस चलता रहेगा, जैसे बाबा का हुक्म होगा, बस आ गए हम इसी बहाने यहाँ पे बाबा की नगरी। भैया जी, और भैया मैं जी, थैंक्स करना चाहूँगा अपनी वाइफ को कि जिसने मेरे को अलाउ करा कि जाओ जी कोई बात नहीं। आपकी वाइफ इधर देख रहे हैं इस कैमरे में से, इस अच्छा कैमरे में बोलिए। अरे थैंक यू कि भैया आपने मेरे को भेजा यहाँ के लिए, वाइफ भैया को। भैया 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 भेजा, भाभी ने कहा भैया आप जाइए, वेरी गुड। भैया आप जाइए, नहीं मतलब उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको हुक्म है, बाबा का बुलावा है तो जाओ, कोई ऐसा नहीं। भैया जी एक चीज बताते हैं, हम लोग भी यहाँ पे अभी हमारा इंसिडेंटली आपके आने से पहले एकदम प्रोग्राम बना हमारी पूरी SPTV की टीम का कि आइए कुछ करते हैं कुछ अलग। हम ये तो बैठे बस बैठे मैंने जस्ट और आपको फोन किया आपसे मिलने का, एकदम प्रोग्राम बन हमारा गया बस, कि मैंने कहा चलो आपसे मिलते हैं। चिंटू भाई हमारे आए हुए हैं बाबा की नगरी शहरी से, माने आपसे मुलाकात हो जाए। दिल्ली में तो मिलते रहते हैं मगर यहाँ मिलने का मजा कुछ हो रहा है आपसे। हम लोग आए थे, हम लोग आए हुए थे यहाँ पे जागरूकता सम्मेलन शूट करने, बहुत बड़ा सम्मेलन था। हम लोगों का मन में आया कि हम लोग बैठते हैं पूरी टीम के साथ, हम लोगों का इंटरव्यू बहुत लेते हैं, बहुत लोगों का लेते हैं। हमने आज हमने कहा कि आज हमारी पूरी SPTV टीम, आओ मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अपनी पूरी SPTV टीम। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं वैभव भैया, आप देख रहे हैं वैभव भैया, ये हेमंत राज जी बैठे हैं हमारे साथ, देखिए आराम फरमा रहे हैं। ये इनका कल शिव गोरा का लाल रिलीज हुआ है। जय साई राम सभी को, और तहे दिल से शुक्रिया अदा है हमारे चिंटू भैया का, जिन्होंने इस काबिल समझा कि बाबा की शिरडी में इस गाने को, भजन को लॉन्च किया जाए। तहे दिल से शुक्रिया अदा है सभी सभी लोगों का सर। अभी आते हैं, अभी हम जरा इंट्रोडक्शन पे लगे हैं, प्रमोशन बाद में करेंगे। ये हमारे साथ रिंकू भैया बैठे हैं जो हमारा पूरा कैंडिड फोटोग्राफी संभालते हैं। रिंकू भैया साई राम, जय साई राम, कुछ बोल दीजिए सर। चलो ये भैया बोलते कम है, खींचते ज्यादा हैं। ये एक हमारे साथ बैठे हैं राजू जी, राजवीर सिंह जी, राजू के नाम से इनको दुनिया जानती है लेकिन राजवीर सिंह जी नाम है, इनसे भी मिलते हैं। ये हमारे मेन कैमरामैन है, मेन पिल्लर है। ओम साई राम राजू जी। साई राम जी सबको, हम SPTV के साथ सारी हमारी टीम बैठी है जो हम सबका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। चलो ये राजू जी, ये एक्चुअली कोई गलती हो जाए तो भैया जी हमारी तरफ से सॉरी है, क्योंकि ये कोई खींचने में सारे एक्सपर्ट हैं लेकिन बोलने में बिल्कुल सारे ढीले हैं। और अब आपको मैं मिलवाता हूँ, दूसरी साइड लेके चलता हूँ कैमरा 2 पे। ये बैठे हैं हमारे मोनू जी, मोनू जी साईराम, साईराम भैया जी, साईराम कैसे हैं आप?
आप इतना कैमरा चलाते हैं, आपको कैसा लग रहा है आज कैमरे के आगे आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप हमारे उस्ताद जी हो, गुरु जी हो, हमें सिखाते हो और हमें टूर पे लेके आओ, इधर आके हमें आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, आगे भी और कुछ सीखना है हमें आपके साथ रह के। और अभी अभी हम आपको सिखाने की बातें बाद में करेंगे, अभी हम पूछेंगे किसका क्या काम है। ये हमारे साथ बैठे हैं संजय भैया, ये हेमंत जी के फादर हैं। ओम साई राम भैया जी, ओम साई राम, सभी भाइयों को ओम साई राम। ये भैया की कैमरे के आगे आवाज नहीं निकलती, कैमरे के पीछे गोप्रो लगाओ, तीन नंबर हमें को दे दो, ठीक है जी। अब हम गोप्रो से बात करेंगे भैया जी, ये हमारा गोप्रो है छोटा सा, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं आए, हम अपने आप ही खुद ही शूट कर रहे हैं, खुद ही इंटरव्यू ले रहे हैं, सब काम हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है जी, सारी चीजें जायज हैं। अब ये मेरे साथ हैं अंकित डिका जी, ये वैसे हमारे साथ प्रोफेशनली भी काम कर चुके हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए इन्होंने हमारे साथ प्रोफेशनली काम किया था, उसके बाद ये ब्रेक पे चले गए थे और उसके बाद आज हमें मिले हैं हमारे संजय भैया के भांजे के रूप में, इनसे मिलते हैं। साईराम, सभी भक्तों को बड़ा अच्छा लगा चिंटू भैया के साथ आके शिरडी में। बोलो 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 शेर जी, साईराम बोलो, साईराम सभी को, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को बोल दो जिनको सब टैग करते हो, फोटो दिखाते हो। ये हमारे साथ बैठे हैं, अब आपको हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे, ये बंदा तो बहुत ग्रेट है, बस जमा थोड़ा सा लेट है, भरत कुमार जी। जय साई राम सभी भक्तों को, जय साई राम। ये भैया का जी, ये भैया हमारे साथ जो दिल्ली से शेड्डी आए हैं, भैया का नाम पूछना चाहेंगे भैया, आपका नाम? मेरा नाम अशोक मेहरा है और मैं राकेश भैया के साथ ही लेकर आया, उनके साथ ही आया हूँ, और कभी शायद 10 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे बाइक पे, पर आज हमें जैसे बच्चे को टॉफी देते हैं ना, बेटा थोड़ा सा और चलना है, थोड़ा सा 1400 किलोमीटर ले आए हमें आज। 1400 किलोमीटर भैया, यार कितना टारगेट तो वैसे था इनको 1400 किलोमीटर 24 घंटे में लेके आने का, मगर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा इनको रिलैक्स कर दिया, और इनको मैंने एक दिन में सिर्फ 800 किलोमीटर इनको मैंने बोला चलाने के, वन डे में 8 किलोमीटर यार टफ, यार टफ बहुत। और हम दिल्ली से 780 किलोमीटर चला के हम उज्जैन आए थे परसों, नॉन स्टॉप वहां से आए थे हम, और कल हमने गाड़ी चलाई 600 किलोमीटर उज्जैन से ओमकेश्वर होते हुए, भैरव मंदिर वगैरह होते हुए आज शिरडी पहुंचे हैं। अब यहाँ से हम अभी हमारा अप्रोक्सीमेट 1500 किलोमीटर 1800 किलोमीटर अभी और है दिल्ली पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ से बॉम्बे जाना है, फिर गुजरात होते हुए। अभी यहाँ से आप बॉम्बे जा रहे हैं? बॉम्बे जाएंगे, यहाँ से सिद्धि विनायक जी के दर्शन करेंगे, मेरे ख्याल से मतलब 7 से 8 घंटे की और ड्राइव है, अभी 7 से 8 घंटे की हमारी और अभी ड्राइव है, अभी यहाँ से जाएंगे, रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि रास्ते पहले पहले सिद्धि विनायक में दर्शन हो जाएं, और शायद प्रोग्राम यह बन जाए कि हम रातों रात दिल्ली के अजमेर के लिए निकल जाएं। सर कितना पेट्रोल डाला आप में? सर पेट्रोल तो ये बाबा ने डाला हुआ है हमारे अंदर, जो शक्ति उन्होंने दी हुई है वो हम उसको यूज करते हैं, बस बाइक का शौक है, बस लोगों के वो जागरूकता करनी है कि भैया बाइकर को गलत ना समझो, ये भी एक अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं तभी 2-2 लाख की बाइक लेते हैं, ऐसे थोड़ी कोई लेता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। और सर ये हमारे साथ ये भैया का इंट्रोडक्शन भी कर ले, ये थोड़ा सा आगे ही। ओम सैराम, मेरा नाम विनय कुमार है, मैं भी साथ में इनके राइडिंग पे आया हूँ आज, और शिरडी पहुंचे हैं, बाकी आगे बोल नहीं सकता कि साई में नाम में ही सारा पूरा ब्रह्मांड है, उसके आगे कुछ नहीं है। क्या बात कही है इन्होंने, बहुत बढ़िया बात कही है, और चलते हैं आगे, बिल्कुल आगे चलते हैं भैया जी, कुछ एक लाइव हमारे साथ लोग जुड़े हैं, भैया जी आज हम पूरा खुद सेल्फी खुद सब कुछ करके लाइव कर रहे हैं, कोई भी गलती हो तो भैया जी सॉरी। ना हमारे साथ नितांशु है, ना हमारे साथ अंकुश भैया हैं, ना नेट है, ये हम किस तरीके से कर रहे हैं हम ही जानते हैं, हमने ये सारी चीजें इसलिए हम लाइव आए हैं कि हम आपको दिखा सकें कि हम लोग किस तरीके से किस किस मुश्किलों से निकलते हैं और आपको ये लाइव दिखाते हैं। ये देखिए, ये भैया जी सारे मोबाइल में लगे हैं, ये हमारी टीम लगी हुई है, हेमंत भैया जी आराम फरमा रहे हैं, आइए चलो राजू जी से कुछ पूछते हैं, राजू जी आगे आइए, राजू जी पीछे बैठे हैं आप, थोड़ा सा आगे आइए तो सही सर,
हाँ जी राजू जी, राजू कितने साल हो गए आपको कैमरा चलाते हुए? सर मुझे कैमरा चलाते हुए नाना करते 35 साल हो गए। 35 साल हो गए आपको? हाँ जी। लॉन्ग टाइम सर। हाँ जी सर, यहाँ पूछना नहीं पड़ता, बोलना पड़ता है। ये देखिए पीछे से हमारे मनोज भैया जी आ गए हैं। मनोज भैया को हम बड़ी देर से बुला रहे हैं, भाग गए बाहर। आइए मनोज जी, आइए मनोज जी, आइए अंदर आइए सर। सर ये लाइव चल रहा है सर, लोगों से बात करनी है, आ जाइए बीच में। देख रहे हैं आप लाइव? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये दूसरे रूम में सो रहे थे, इनको एक घंटे से हम उठा रहे हैं। आइए राहुल राणा जी, राहुल राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वॉचिंग है। अमन नलवा जी हमें देख रहे हैं। मोहित नागिया जी हमें देख रहे हैं। ब्रिजेश सिंह जी हमें देख रहे हैं। मनोज जुनेवाल पड़ोसी जी हमारे साथ बैठे हैं, आ गए हैं ये। और अंकित डिगा जी हमें साईराम बोल रहे हैं सभी भाइयों को। भैया जी अभी बैठेंगे, अभी हमारा मूड है लाइव आने का, बैठने का, मस्ती मारने का। और हम कच्चे पक्के होके सारे तरीके से हम लाइव करने के मूड में आज। और हमने गोप्रो इतने सारे लगा दिए कि हमारे से संभाले नहीं संभाले जा रहे, क्योंकि बिकॉज सारी एसपी टीवी की टीम लाइव पे बैठी हुई है। मनोज जी इतनी देर क्यों लगाई आपने? सो रहा था जी, थक गए ज्यादा। मतलब रात को कितने बजे फ्री हुए जागरूकता सम्मेलन से? साढ़े चार बजे के बाद फिर हमें टाइम लग गया था आगे जाते हुए भी। कहाँ गए थे? फिर गए थे हम द्वारका माई। माँ अमित जी ने चाय अच्छी पिलाई थी, अमित सक्सेना जी ने, अमित सक्सेना जी ने, सक्सेना बंधु जी ने, उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई थी, पुरानी पुरानी बातें भी बताई थी। बताई थी कि पुरानी क्या होती है, पुरानी गायकी और पुराने कल्चर के बारे में कि क्या होता है। बिल्कुल जीते रहो भाई साहब, जीते रहो, बहुत अच्छी बात है। आइए चले हम अब हेमंत भैया के पास चलते हैं। नहीं भैया, हेमंत भैया आपके पास हम बाद में आएंगे, पहले भैया को फ्री करते हैं। भैया ने ना बहुत दूर जाना है बॉम्बे, ये लोग बॉम्बे जा रहे हैं। भैया कुछ और बता के जाइए कि हमें भी थोड़ा सा जोश आ जाए कि अगले ट्रिप में हम लोग, हमारी एसपी टीवी की टीम आपके साथ हो, कम से कम प्रोफेशनली हो, शूट करने के लिए तो साथ ले जा सकते हैं हमें। हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हैं अगर आप चाहो तो, ये तो बस बाबा का हुक्म होगा। तो चलो हमारे साथ, जब आपका प्रोग्राम बने बना लेना, हम तो तैयार हैं आने के लिए यहाँ पे शिरडी सर। हम तो प्रोफेशनली चलेंगे सर, आप ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लेके चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। क्योंकि जब से आज मैंने देखा आपका ये लाइव का, मुझे नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल टास्क है ये लाइव का। मेरे को आज फर्स्ट टाइम पता चला कि लाइव इस तरीके होता है पूरा। सर आप देख लीजिए, आपने ये देखा होगा ये पूरी टीम मिलके लाइव करती है, ठीक है जी। आज ये लाइव भी कर रही है और कैमरे भी चला रही है, दोनों चीजें साथ में। टू एसपी टीवी वाकई कि यार ये काफी हार्ड टास्क वर्क है ये, हम इसको नॉर्मल समझते थे कि देखो माइक मेरे हाथ में, कैमरा मेरे हाथ में, मिक्सिंग मेरे हाथ में, लाइव यहाँ पे लाइट मैन, कैमरा मैन, सारी होल टीम हमारी साथ में बैठी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट। इसके बारे में कुछ बोल दीजिए सर। नहीं वाकई मैं देख के आज हैरान हूँ कि लाइव ऐसे होता है यार, मेरे को इतना उम्मीद नहीं था कि ऐसे मतलब कि लाइव में इतना झमेले होते हैं। मुझे तो ये लगा था कि जस्ट एक कैमरा होगा और माइक होगा और बस नेट कनेक्शन दे देंगे और लाइव हो गया, स्टार्ट हो गया, जिस हिसाब से हमें नॉलेज थी। सर ये आए थे अंदर रूम में, आते ही कह रहे थे तुम्हें होटल वाले रूम कैसे दे देते हैं। मैंने ये रानू, मैंने कहा ये आपको रूम कैसे दे देते हैं यार, ये होटल वाले इतना, आपने तामझाम ये बैटरीज वगैरह कैमरे, आपने 5-6 कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ आज स्टैंड पे लगे हुए हैं, सारे बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रॉपर। मतलब ये दिस इज नॉट अ, मतलब ये छोटा मोटा टास्क मेरे को नहीं लगता ये लाइव के लिए, ठीक है। बाकी अच्छा लगा बाकी आपसे मिल के यार, मन था आज आपसे मिलने का। शिरडी आए थे यार बाइक पे आए हैं, हमने कहा चलो यार एक बार बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया लाइव करने का। आप शिरडी आए, हम शिरडी में थे, जागरूकता सम्मेलन हम शूट कर रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा है। बेसिकली मैं इस सम्मेलन के लिए आया था, जो मैंने अपना प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ था, मेरा मन था कि मैंने इस सम्मेलन में आना है, तो कुछ हमारे साथ ऐसी ब्रेकडाउन हो गई जो हम टाइम पे यहाँ पे पहुँच नहीं सके। मेरे को उम्मीद थी कि हम रात को 11 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे और सम्मेलन अटेंड कर लेंगे, मगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई हमारे साथ, बाइक में किसी की बाइक खराब हो गई थी, थोड़ी दिक्कत हो गई हमें रास्ते में, थोड़ा पुलिस ने तंग किया हमें थोड़ा बहुत, ठीक है नॉर्मल। मतलब हम, मगर यह है कि ओवरऑल हम सम्मेलन में टाइम पे नहीं आ पाए, अगर आते तो बड़ा अच्छा लगता, जिसके बिहाफ हम यहाँ पे आए थे कि चलो सम्मेलन में चलो मिल लेंगे सबसे, बाबा से मिल लेंगे बस, मगर नहीं हो पाया। चलो ठीक है, एनी वे बात नहीं भैया जी, हम तो हमारी पूरी दोबारा आए नहीं, दिल्ली में तो मिलेंगे ही सर, दिल्ली में तो रोज मिलते रहते हैं। अरे जो मजा यहाँ मिलने का था ना वो बात और थी, जैसे आज मिल रहा हूँ आपसे वो मजा और था, और यही मजा कल इससे भी दुगना होता अगर मैं सम्मेलन में मिलता आपसे।
लो भैया, अब हमारी पूरी एसपी टीवी की टीम इनको ब्लेस करती है, इनकी पूरी जर्नी अच्छी रहे, ये बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे इनका अच्छा रहे, सो बॉम्बे के बाद दिल्ली सही सलामत, ओके, घर वाले इनके बच्चों के साथ अब ओके, मिठाई डब्बे सारे। मैं तो अपनी वाइफ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिसने मेरे को परमिशन दी कि चलो जी बाइक पे चले जाओ, क्योंकि ये एक सोचने वाली बात है कि हम तो बाइक पे यहाँ हैं मगर घर में बच्चों की सांसें यहाँ तक होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, रोड पे है, देखो मिस हैपनिंग कुछ भी हो सकती है, ये मेरे में तो जिगरा है चलाने का सिर्फ। अंकुश मदान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साई राम बाबू जी, और ये जो अंकुश भाई, ओम साई राम विनय जी, और ये अंकुश भाई ये भी हमारी टीम में ही है। अच्छा जी, ये भी बाइक चलाते हैं, हमें तो ये पता है, माइक संभालते हैं। अंकुश भैया आपका माइक मैंने संभाल रखा है, लेकिन मेरे को बोलना नहीं आता यार, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, और मुझे ये अभी बता रहे हैं कि आप बाइक भी बहुत अच्छी चलाते हैं। अरे प्लान इनका भी था मेरे साथ आने का, पूरा 101% प्लान था इनका आने का, मगर इनके ऑफिस से कुछ इनको लीव नहीं मिली, अगर इनको लीव मिलती तो ये तो तैयार थे आने के लिए। शिरडी आ रहे थे, जागरूकता सम्मेलन में भी इन्होंने आना था, ये हमें पता है कि इनको लीव नहीं मिल पाई। आपको तो ये पता ना कि इन्होंने शिरडी आना था, मगर कैसे आना था ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने मेरे साथ बाइक पे आना था। अच्छा जी, इनका प्रोग्राम था, इन्होंने बाइक पे आना था मगर नहीं आ पाई, इनसे मेरा कॉन्टैक्ट डेली मतलब हुआ, हर दो घंटे में इन्होंने मेरे को कॉल किया कहाँ पहुंचे कैसे करे, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है ना ये थॉर द हार्मनी ऑफ राइडर्स, इसमें इनको मैंने ऐड करा है, मतलब ऐड करवाया गया हूँ कि भैया हम कॉज राइड्स करते हैं, चलिए अभी हमारी रिलीजियस राइड थी, तैयार थे चलने के लिए, फिर कहते हैं राकेश भाई थोड़ा मेरे को ऑफिस से प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं चलता जरूर आपके साथ, और मैंने बाइक पे ही चलना था आपके साथ। चलो यानी मैं इनको नेक्स्ट वीक में तैयार करेंगे, नेक्स्ट वीक में शायद इनको तैयार कर रहा हूँ मैं कि चलो भैया मेरे साथ चलो। भैया जी हमारे साथ ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, साईराम बोल रहे हैं, साईराम भैया जी, दीपाली राठौर वॉचिंग कर रही हैं हमें, नीरज बोध जी वॉचिंग, और मोजिन जफर निजामी, एम एस निजामी ब्रदर्स भी हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं ये, बहुत बढ़िया गाते हैं हेमंत, बहुत सुरीले गाते हैं ये, ये भी हमारे साथ शिरडी आए हुए हैं, तो ये भी हमें देख रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमें वॉच कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा लाइव देख रहे हैं और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। जय जयराम भाई लो। अच्छा भैया जी पूरी एसपी टीवी की टीम की तरफ से भैया को ओके करते हैं, इन्होंने बॉम्बे जाना है, टाइम से ये पहुँचे, ठीक है सर? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत थैंक्स यार, मगर मिल के बड़ा अच्छा लगा आज आपसे, यहाँ का मजा ही कुछ और था आज, और आपने मेरे को लाइव करा कि चलो ये भी चलो एक, ये सब सब ऐसी है, एकदम बनता है प्रोग्राम सर, हम अपने प्लानिंग कर रहे थे, भैया आ गए बैठे, चलो जी वो कहते हैं ना जब मिल बैठेंगे चार यार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। साईराम भैया साईराम मिलते हैं, बिल्कुल साईराम आपको पूरी हमारी एसपी टीवी की टीम से, कि एक शेर उसमें कहा गया कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, और हालांकि ये सर भी मुझको तेरे दर से मिला है, और औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी बाबा तेरे दर से मिला है। चलो सबको साईराम, भैया जी ये कंटिन्यू रहेगा हमारा, ये भैया लोगों ने निकलना है हमारा, तो इनको सी ऑफ करते हैं। ब्लेसिंग से नहीं सिर्फ मैं यहाँ पे आया था, जो आपकी ब्लेसिंग है शेयर मेरे इस टूर में थोड़ा और रंग लाएगी। नहीं नहीं भैया बिल्कुल 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 भैया, ये कच्चा पक्का लाइव है हमारा, तो इसको बुरा ना माना जाए। अंकुश भैया आप ने जबरदस्त नितांशु की ना अंकुश की, अब तो बस चिंटू जी छा रहे हैं, क्या बात है अंकुश भैया, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं हम, हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कोई कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपना वर्क करना है, काम करना है। हिमांशु मनचंदा जी हमें देख रहे हैं, क्या हाल है भाई कैसे हो? अंकुश भैया को मेरी तरफ से बोल देना कि अगले हफ्ते रेडी रहेंगे, शायद बाबा का बुलावा अगर आ जाए दोबारा लेके आएंगे इनको। भैया जी भैया की आवाज़ तो सुन ली होगी, वो कह रहे हैं कि बाबा ने चाहा तो अगले ट्रिप पे साथ में बाइक पे आएंगे, हो सकता है मैं भी आ जाऊं अगर मेरे को भी मौका लगे तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल श्योर भैया, मैं तो आपको इस बार भी आपको मैंने कहा था, मैंने आपको कॉल किया था क्या मेरे साथ चलो, मगर आपने कहा नहीं, मेरी पूरी टीम है, टीम को अगर लेके अगर चलता तो मैं तैयार हूं चलने को। ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 ओके। ये हमारी टीम ये आगे निकल रहे हैं बॉम्बे की तरफ, तो हम इनको सी ऑफ कर रहे हैं, कच्चा पक्का हमारा चल रहा है सारा, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे आपसे, चल रहा है। लेकिन पंकज भैया बालाजी साउंड, पंकज भैया बालाजी साउंड, पंकज भैया को राम राम। पंकज भैया राकेश भी हमारे साथ हैं, राम राम कर रहे हैं आपको। बालाजी साउंड दिल्ली से आया है, बहुत बढ़िया साउंड, कमाल कर दिया इन्होंने कल रात के प्रोग्राम में, इनका जवाब नहीं साउंड में। हेलो जी कहाँ हो जी? पंकज भैया जहाँ आपने रोका वहीं है जी, उसी होटल में उसी रूम में है जी, आ जाओ।
पंकज भैया वहाँ रुके हैं द्वारका में। मैंने इनको कॉल किया था, थोड़ा बिजी थे मेरे को लग रहा है शायद, मैं कहा मिलते हैं भैया को बताते कि हम भी आए हुए बाइक पे। कोई बात नहीं। चलो भैया जी, बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से आपको, ठीक है सर, आराम से, सेफ जर्नी सबको, साई राम भैया, सेफ जर्नी, सेफ जर्नी, ओके भैया, सेफ जर्नी भैया, ओके। ये थे राकेश भैया, दिल्ली से आए हुए थे, ये बाइक पे आए थे, यहाँ शिरडी आए, इनका फोन आया कि भैया जी मैं आया हूँ, तो हम लोगों की लाइव की प्लानिंग थी, तो बस एकदम बैठे बैठे बन गया प्रोग्राम। बाकी हमारा आज मोटिव था कि हम पूरी एसपी टीवी को साथ लेके चलेंगे, हमारी पूरी एसपी टीवी की टीम साथ में आएगी, उनसे हमने गुफ्तगू होना था, तो एक एक करके चलते हैं, सबसे पूछते हैं। मयंक गेड़ा जी हमें देख रहे हैं, मयंक गेड़ा जी, साई राम, कैसे हो मयंक भैया, साई राम, ये दरवाजे तोड़ेंगे, एसपी टीवी की टीम सब चीजें तोड़ती है, कोई बात नहीं भैया जी, आपको हम दिखाते हैं ये हम लोग आज लाइव कैसे कर रहे हैं। आज हमारा लाइव करने का मोटिव ऐसा है, देखो जो ऑपरेशन करता है वो ऑपरेशन ही करता, उसको ये नहीं पता होता कैमरे के आगे कब जाना है कब नहीं जाना, है ना संजय भैया। ये हमारे राजू जी, राजू जी हेलो कर दो। अब भैया एक जगह ना सेटिंग हो जाओ, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, अब प्रोफेशनली थोड़ा सा आ जाओ, अपना अपनी क्वालिटी दिखा दो, लोग आपको लाइव देख रहे हैं। सर नहीं नहीं, हम बोलने का काम हमारा है नहीं ना सर, थोड़ा सा आगे आइए, माइक लेते जाइए और एक एक करके बात करेंगे सर। पहले राजू जी से बात करते हैं, राजू जी हमारे सीनियर हैं, रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है राजू जी। राजू जी कितने साल हो गए सर? 35 साल काम में आते हुए, काम करते हुए सर 35 साल हो गए काम करते हुए, और उसके बाद हम चिंटू भाई सबसे जुड़े हुए हो गए 15 साल, 15 साल हो गए इनसे जुड़े हुए, इनके इनसे जुड़ने के बाद हमें और काम का जो एक्सपीरियंस बहुत और मिला, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिला हमें एक्सपीरियंस, और हमें बाबा का, माता रानी का, सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है हमें, है कि नहीं? बिल्कुल, इसको पकड़ के रखिए सर, ठीक है सर। और राजू जी एक चीज़ बताइए, बड़े दौर निकले होंगे आपके सामने कैमरा मैनिंग, कितने कैमरामैन आए, कितने चले गए, बड़े बड़े धुलंधर, बड़े बड़े, लेकिन राजू जहाँ था कैमरा चलाता था, आज भी कैमरा चलाता है, कितने लोग आए और कितने गए, कुछ उसके बारे में बताइए, कितने कितने बड़े बड़े शख्सियतों के साथ आपने काम किया? सर हमने बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया, और ये सब जो हम काम कर रहे हैं सब बाबा का, माता रानी का, सबका आशीर्वाद है जो अब तक हम चले जा रहे हैं, ये पूरी टीम हमारी जो एसपी टीवी की जो चली जा रही है, ठीक है सर, और हम आगे यहाँ तक आए और आगे जाएंगे और तरक्की करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि हम और आगे जाएंगे और तरक्की करेंगे। और एक चीज़ और बताइए, आपने कौन से कैमरे से स्टार्टिंग करी थी? सर मैंने 17 नंबर से स्टार्ट करा था, उसका जो VCR है सर वो हम टांगते थे, कैमरा जो अलग होता था, VCR अलग होता था, 3 घंटे की असर उसमें डलती थी बड़ी, और बड़ी भारी बैटरी 5-6 किलो की कमर में बांध के हमने बड़ी मेहनत से काम किया और सीखा, बहुत मेहनत करी सर, पहले हमने तारे भी पकड़ी हैं। आज कौन सा कैमरा चला रहे हैं सर? आज हम चला रहे हैं NS5, और सब कुछ चला लेते हैं सर पापा के आशीर्वाद से, और बीच में हमने सर सब कुछ, थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं लेकिन ये चला लेते हैं सब कुछ। अच्छा एक जी, अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जल्दी ये DXLR पे भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। राजू जी DXLR के बारे में बताइए। सर DXLR लेंगे हम दोनों भाई मिलके लेंगे, और दो तीन इकट्ठे लेंगे ताकि पूरा सेटअप DXLR करके हम बना सकें। आ चुका है 2018 तक हम शुरू कर देंगे, हम अपना सेटअप जो DXLR का सेटअप शुरू करेंगे सर। रहिए राजू जी, अब ये सेल्फी स्टिक हम लेके जाते हैं। मनोज जी, रिंकू भैया जी शर्मा रहे कैमरे से, पकड़िए इसको, जल्दी पकड़िए सर, इसी के आगे हमने बात करनी है, ज्यादा तार नहीं जाएगी बाबू, सर गुस्सा चलेगा क्योंकि मेरा काम है गुस्सा करना, मैं सेटअप पे हूँ, ये मेरा सेटअप लगा हुआ है, और लोगों को बताइए कि आप क्या है। मनोज जी आप सामने देखिए, इधर ये आपके, आप इससे बात कर रहे हैं, लोग आपको इसमें देख रहे हैं। हाँ जी मनोज जी कुछ अपने बारे में बताइए, कहाँ से स्टार्टिंग हुई आपकी? कुछ भी बताइए,
जय साई राम। ये चलते चलते सफर है, मिल गया एक कानवा बन गया, अब उसी में जुड़े हुए हैं और उससे ही चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो जनरल डॉग, हम ये नहीं बात करना चाह रहे, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये फील्ड कब से स्टार्ट करी? इस चीज का तो प्रॉपर आइडिया मेरे को भी नहीं है, कितने साल हो गए हैं। मेरे हिसाब से इस चीज का ज्यादा से ज्यादा अगर कोई शख्स बता सकते हैं तो वो है एक संदीप जी या एक सुरजीत जी, हाँ, जो हमारे उस्ताद है, या तो अगर दो बंदे हो रहे हैं वो बता सकते हैं, या राजू जी या चिंटू भैया, कि मेरे को कितना पर्टिकुलरली टाइम हो गया। इससे ज्यादा मेरे को भी आइडिया नहीं है। हाँ, मैक्सिमम अगर आइडिया लगाए 14 साल, 13-14 साल, हाँ ये आइडिया है। कॉन्फ्रेंस बहुत करी है हमने। लीजिए सर, लाइए सर। अब ये स्टिक मैं लेके जाता हूँ वैभव गुलाटी जी के पास। वैभव जी पकड़िए, जो हमारा सारा लाइव देखते हैं। वैभव जी स्टिक पकड़िए। जय साई राम। जय साई राम। भैया जी आपको सच सच एक चीज बताता हूँ, जब से ये बंदा हमारे साथ जुड़ा है तो इसने एसपीटीवी टीम के लिए बहुत एफर्ट किया और किए क्या कर रहा है ये, ठीक है। ये बैक स्टेज वो काम करता है जो हम फ्रंट स्टेज पे आके नहीं कर पाते। जितनी मेहनत हम करते हैं उससे ज्यादा ये मेहनत करता है। रातों को प्रोग्राम में शूट कर रहे होते हैं, ये रातों को उसको तैयार कर रहे होते हैं। बरसरते लोग कहते हैं कि हम काम नहीं देते। अब आ जाइए मैदान में, इनसे पूछते हैं, कुछ बात करते हैं इनसे। हाँ जी भाई भैया, क्या प्लानिंग थी एडिटिंग की? ये तो कोई प्लानिंग नहीं थी, फिर भी कुछ तो था, कुछ सोचा? कुछ था? भी नहीं, कुछ नहीं सोचा था। कुछ तो सोचा था मेरे भाई। ना ना, जाना था इंदौर, पहुंच गया लंदन, ऐसा तो कुछ नहीं था। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मैक्स माया का कोर्स, मैक्स माया किसी का कोर्स कर रहे हैं, विजुअल इफेक्ट्स का, जो हम VFX लाने वाले हैं, शायद 2018 से स्टार्ट कर देंगे हम। वो वैभव भैया उसकी तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग हो चुकी है, 200% हो चुकी है। VFX सुन लो, VFX संध्या में आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में, वो एक तरह का पूरा मूवी शूट है, उसके अंदर हम जैसे आप लोग मूवी में इफेक्ट्स देखते हो, टाइपिंग्स वगैरह सब कुछ देखते हो, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है संध्या के अंदर। भैया जी हम आपको साथ साथ अपने व्यूवर्स को ये बोलेंगे कि ये कोई प्रोफेशनली लाइव नहीं कर रहे हम लोग, हम बिल्कुल टोटली अनप्रोफेशनली काम कर रहे हैं। हमारा मन करा था बैठ के आप लोगों से गुफ्तगू करने का, बात करने का। शिरडी में हम बैठे थे, हमारी यहाँ पे जागरूकता सम्मेलन की परिक्रमा चल रही है, वो 72 घंटे की नॉन स्टॉप परिक्रमा है, वो हम लोग शूट कर रहे हैं। कल रात को उनका विशाल प्रोग्राम था, इतना बढ़िया प्रोग्राम था, मुकुल नाग जी ने इतना बढ़िया किया परफॉर्मेंस, और अपना अमित सक्सेना जी ने, पारस जैन भैया ने, और अनुपमा देश पांडे जी ने, और मनीषा डिंगरा जी थी, और भुवनेश भैया थे, उनके साथ तो हमने रात को चाय भी पी द्वारका माई में, तो सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस थी, जिनकी वजह से चांद चांद लगे, वो थे हमारे पंकज बालाजी साउंड, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ शिरडी इकट्ठे हो सके सारे, ये उनका हम थैंक यू बहुत जरूरी करेंगे। चलो जी, अब मैं ये स्टिक वैभव भैया से लेके ले जा तो सकूंगा नहीं सर, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। मनु भैया आइए आगे। सर ये स्टिक को हम ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये थोड़ी कनेक्टेड है हमारे ऑनलाइन के साथ, तो रीज़न है हमारा, क्योंकि हमें यहीं बुलाना पड़ेगा। इसको पकड़िए, ये है हमारे मनु भैया। साई राम सभी को। मनु भैया एक चीज़ बताइए कि आप इस फील्ड में कब से आए? तो मैं 10-12 साल से हूँ, पर बीच में मैंने 7 साल का ब्रेकअप लिया था जब मेरी शादी हुई थी। 7 साल का ब्रेक, ये लाइन ही छोड़ दी थी मैंने। अच्छा। पर उस्ताद जी के पास मैं दोबारे से आ गया हूँ। क्या सोच के आया, अब यहाँ गुड़ मिलेगा?